हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जीएसएससी सहायक आचार्य 2024 के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म भरना है, सिंस ये नए सीटेट वाले के लिए भी ओपन हो चुका है। जिन लोगों का पहले से फॉर्म नहीं भराया है, जिन लोगों ने जेटेट पास किया है या सीटेट पास किया है, सभी लोगों के लिए ये ओपन फिर से, ये जो फॉर्म है ये फिर से रीओपन हो चुका है। आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो पुराने छात्र हैं, ओल्ड स्टूडेंट है, जिन लोगों ने फॉर्म पहले जनवरी में अप्लाई कर दिया है, उनके लिए ये बहुत ही क्रूशियल वीडियो है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करना है, साझा भी करना है। ये वीडियो मैं आपके लिए देवघर से बना रहा हूं। इस वीडियो को आप जहां से भी देख रहे हो नीचे कमेंट करके अपने जगह का नाम जरूर लिखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, किसी को भी फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। रिगार्डिंग एनी हेल्प एनी असिस्टेंट आई विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो ईमेल या इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा देर होगा बट आई विल रिप्लाई, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। तो चलिए, और हाँ एक और बात, जिनके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप बना लें, जितनी जल्दी हो सके बना लें। जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट बना लें, जिनके पास EWS नहीं है EWS बना लें, अदरवाइज आप परेशान में पड़ जाओगे। PW यानी कि जिनके जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल है ना, उनको सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, तो ऐसे में फटाफट काम कर लो, नहीं तो बाद में आपको समस्या आ सकती है। तो प्लीज मेक श्योर आप रेसिडेंशियल वगैरह जो है न्यू बना लोगे तो बेटर होगा। खैर, जो भी चीजें हैं एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, आपके हर समस्या हर डाउट को क्लियरली समझाने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और बात देखो, लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, मैं आपको बताऊं, मतलब किसी को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए पहली बात, लेकिन कुछ लोगों की गलतियां ऐसी होती कि क्या ही कहा जा सकता है उसके बारे में। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, एक्चुअली मैं सब्सक्राइबर नहीं मानता, उन्हें फैमिली मेंबर मानता हूं। बहुत सारे लोगों ने ना मुझे ईमेल किया कि सर मेरा तो रजिस्ट्रेशन हो गया था बट अब जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज बता रहा है लॉगिन करने पे। हुआ क्या था ना, रजिस्ट्रेशन आप करोगे उसमें देखिए एप्लीकेशन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपका प्रेफरेंस है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप जॉब करना चाहते हो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 24 के 24 जिले का प्रेफरेंस आपको देना पड़ता है। आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स देनी होती है, आपका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या था। तो प्लीज पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आधी अधूरी जानकारी हमेशा आपको जो है एक डेड एंड की ओर लेकर जाती है। तो प्लीज मेक श्योर इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और चीजों को टू द पॉइंट हिट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो लेंथी होगा बट चीजों को समझते हुए हम लोग चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जेएसएससी के ऑफिस में आपको आना है, जेएसएससी के ऑफिस में नहीं, जेएसएससी के वेबसाइट पे आपको आना है। देखो jssc.nic.in इसकी ये वेबसाइट है, फिर से लिख देता हूं, आप गूगल पे jssc भी लिखोगे ना तो आपको मिल जाएगा। चलिए मैं बिल्कुल, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बिल्कुल सिंपल से बताऊंगा। देखो गूगल पे आइए, jssc आप लिखोगे और ये जो पहला वेबसाइट है इसे आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन कर लेते हैं। दूसरी बात, नहीं मिल रहा है लिंक आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको जो है ऑनलाइन आवेदन का मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, ऑलराइट। चलिए टच करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये रहा सब कुछ, और ये पहले नंबर पे जो है ना यही आपके काम की चीज है, नीचे देखने की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। अप्लाई नाउ यहां पे आपको दिख रहा है, ये हाइपरलिंक है, इसे क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। टच करोगे एक नई वेबसाइट की ओर आपको लेकर जाएगा। ये देखो ओके का ऑप्शन आपको दिख रहा है, टच कर दीजिए, प्यार से जेंटल टच करना है। आगे देखो, अगर किन्हीं को पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना है सिलेबस क्या है, अगर सिलेबस की वीडियो आपको चाहिए कि चलो हाँ ठीक है सिलेबस की वीडियो 1-5 की बना दो, एक 6-8 की बना दो, सब्जेक्ट लिख देना आप नीचे कमेंट करके, सिलेबस विथ आपका क्लास 1-5 हो 6-8 हो तो लिख दोगे तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी। एक बुक मैं प्लान कर रहा था पिछले बार से कि एक बुक के ऊपर वीडियो बनाई जाए, कौन कौन सी बुक जो है पढ़ने से आपको फायदा पहुंचेगा। ये देखो ये रहा एडवर्टीजमेंट, इस पर जैसे ही टच करोगे अब जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो पूरा यहां से डाउनलोड हो जाएगा। देखो मैंने टच कर लिया है, ये डाउनलोड होकर खुद ब खुद देखो ये अपने आप जो है एडोब पे ओपन हो चुका है। यहां से देखो ये रही इनकी पूरी डिटेल, क्या सिलेबस है, क्या सीटें हैं, क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। खुद से आप लोग जो है इसे डाउनलोड कर सकते हो। बैक आ जाता हूं, अब देखो यहां इंपॉर्टेंट डेट वगैरह दे रखा है, फिर से एक बार डेट आपके लिए मैं डिस्कस कर देता हूं। जो डेट है ऑनलाइन का वो 23 से स्टार्ट हो चुका है, यू आर स्टिल आप ऑलरेडी लेट हो। अब इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 6 तक आप जो है ऑनलाइन इसके लिए जो है क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जो है सबमिशन कर सकते हो आप, ठीक है। पेमेंट आपका 8 तक होगा। दूसरी बात, प्रिंट आउट लेने का जो समय है वो 23-3 तक है, 23-3 से लेकर
14 तक, सॉरी 10 तक जो है आप इसे प्रिंट करा सकते हो। करेक्शन अगर कुछ गलत वगैरह हो जाता है तो 11 से लेकर 12 तक आप जो है इसे करेक्ट करा सकते हो। याद रखिएगा, एक गलत फहमी में मत रहना कि लास्ट डेट को भी कर लेंगे काम। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, उसके 24 से 36 घंटे, कभी कभी पिछले बार में ना लोगों को 48 घंटे लगे हैं तब जाकर वो जो है एप्लीकेशन ऑन हुआ था, पेमेंट उनसे हो ही नहीं रहा था। तो प्लीज़ फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो, लेट करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। अब देखो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, ओल्ड रजिस्ट्रेशन है। पुराने वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, प्लीज़ जाकर वहाँ जो बीएड वाला ऑप्शन में पिछले बार इशू था ना, उसे ठीक कर दिया गया है। तो बीएड 2 ईयर्स वाला ऑप्शन इस बार आ चुका है। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं, प्लीज़ अपने पासवर्ड को लॉगिन वगैरह करके देख लें और चीज़ों को ठीक कर लें, बाद में समस्या आ सकती है। जीएसएससी झारखंड का कोई भरोसा नहीं। देखो थोड़ा बुरा लग रहा है अपने ही स्टेट के बारे में इस तरह की बातें कहने का, लेकिन जीएसएससी इस तरह से काम करती है, जिसके बारे में जितनी बातें कम की जाए उतना ही अच्छा। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे आपको अब क्लिक कर लेना चाहिए। मैंने भी क्लिक कर लिया। अब देखो, अब मैं ना कुछ चीज़ों को ब्लर करता जाऊंगा, क्योंकि पिछली बार एक वीडियो मेरी 30,000 के करीब गई थी व्यूज़। उसके बाद उस पे जो है YouTube ने बोला कि भाई तुम अपना जो डिटेल वगैरह है, जैसे एड्रेस हो गया या कुछ और तरह की जो पर्सनल डिटेल्स है, आप YouTube पे शो नहीं कर सकते हो, कॉपीराइट की वजह से वो वीडियो डिलीट हो गई थी। तो इस बार मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो कि ज़रूरी है, अदरवाइज उसे मैं ब्लर कर दूंगा। यहाँ से देखो रजिस्ट्रेशन है, याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन यहाँ तक होगा आपका, पेमेंट तीसरा ऑप्शन है, अगले दिन 24 घंटे के बाद होगा, 48 घंटे के बाद जब भी हो, लेकिन आपको ये दोनों बटन को जो है, ये देखो दोनों बटन हरा हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, कर लेना तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज आप गलतफहमी के शिकार हो जाओगे। आर यू इंडियन सिटीजन, यस या नो बताना है। आप लिखोगे नो तो आप फॉर्म को भर ही नहीं पाओगे, आपको क्या करना है, यस वाला बटन दबाना है। अब यहाँ पूछा गया कि क्या आपने सीटेट पास किया या जेटेट पास किया या कोई और भी टेट पास किया, तो आप यहाँ पे सीटेट पे क्लिक कर दोगे। जेटेट वाले से मेरा बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। नाम पूछा गया है कैंडिडेट का, नाम लिख दीजिए आप, जैसे कि मेरा नाम है मिथुन, तो मैं MITHUN मिथुन सिंह मैंने लिख दिया। चलो मिथुन सिंह लिख दिया मैंने। अब यहाँ से पूछा गया जेंडर आप सेलेक्ट कर लो, मैं मेल सेलेक्ट कर लूँगा, जो महिलाएं हैं वो फीमेल कर लेगी। डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो है, यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सेलेक्ट जो है कर सकते हो। चलो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, आई रिपीट, मोबाइल नंबर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, बट ऐसे ही खेलने के लिए जो है हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो आप, मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मांगा जा रहा है ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी पे जो है आपका क्या आएगा, पासवर्ड वगैरह आएगा। yourmithunsingh@gmail.com मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे ये सिक्योरिटी कोड मांग रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज, आई रिपीट, जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कैप्चा में, वो कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। हु बहु कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में, अदरवाइज ये जो है काम नहीं करेगा। 93 उसके बाद है स्मॉल डबल पी, ठीक है, इसके बाद है कैपिटल एस, उसके बाद है पी, फिल कर दिया। अब रजिस्टर अभी मत कर लेना, इधर वाली कुछ डिटेल वगैरह जो है अभी आपका बाकी है, फिल कर लो आप इसे। आर यू रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड, तो देखिए जो वीडियो देख रहे हैं अदर स्टेट वाले, प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, आप अपने स्टेट की तैयारी में लगे रहो या फिर बीपीएससी की तैयारी में लगे रहो, क्योंकि सिर्फ झारखंड वाले के लिए भी एज ऑफ नाउ अप्लाई करने के लिए दिया गया है। जैसे लिख देता हूँ, सेलेक्ट योर लोकल डिस्ट्रिक्ट, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं देवघर से बिलोंग करता हूँ, मैंने देवघर लिख दिया। रिजर्वेशन कैटेगरी, मेरा जनरल है तो मैं जनरल लिखूंगा। जिनका देखो, जिनका EWS है, जिनका BC2 है, जिनका EBC1 है, या फिर SC ST, जो भी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, प्लीज फिल योर कैटेगरी। अब बोला गया है फिजिकली आप हैंडीकैप्ड हो क्या, तो आप अगर हो तो यस लिखोगे, नहीं हो तो नो लिखोगे। आर यू एक्स सर्विसमैन, मैं लिख दूंगा नो, मैं नहीं हूं। अब टीचर टाइप यहां पे पूछा गया है, तो जो पारा टीचर आपके स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो पारा फिल करेंगे, जो आप जैसे कि नन पारा टीचर हो तो आप यहां पे क्या करोगे, नन पारा टीचर वाला सेलेक्ट कर लोगे। अब पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट्स कोटा से वगैरह से जो है कोई रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हो। नहीं भैया, हम लोग कोई भी रिजर्वेशन क्लेम नहीं करेंगे, जिन लोगों ने इंटरनेशनल वगैरह खेल रखा है वो करेंगे। रजिस्टर का बटन दबा दूं, देखिए यहाँ पे पूछा गया, वेट अ मिनट, कुछ मैंने छोड़ दिया है शायद, प्लीज मेक योर मोबाइल इज एक्टिव, ओके। यहाँ पे मोबाइल नंबर थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ जो है हो चुका है, कोई नहीं, मैं इसे कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये देखो 2-2-4 ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब रजिस्टर वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन मांगा जाएगा, आपको ओके वाला ऑप्शन जो है क्लिक कर देना है। ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी रजिस्टर बोला जा रहा है, ठीक है, दूसरा ईमेल आईडी डाल देते हैं, दूसरा ईमेल आईडी डाल देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ईमेल कितनी, ईमेल का तो बौछार है मेरे पास, डोंट वरी, आई हैव अ लॉट ऑफ ईमेल एड्रेस, ठीक है। यूट्यूब पे काम करता हूँ तो आई शुड हैव अ मोड, देखो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया, ये मेरा सबसे पुराना है। अब देखो फिर से कैप्चा मांग रहा है, आई विल फिल इट हियर।
अब देखो यहाँ पे जेड मैंने फिल कर दिया, एक्चुअली जेड कैपिटल में है तो जेड मैं कैपिटल में फिल कर देता हूँ। उसके बाद है वन, मैंने वन पुट कर दिया, पी फिर है वन, फिर है एन, मैंने एन कैपिटल एन। अब देखो रजिस्टर वाला आप जो है दबाओगे ये, प्लीज एंटर वैलिड सिक्योर, देखो ये हुआ नहीं, वेट ए मिनट, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। सी वन पी थ्री एट वन, ऑल राइट, चलो इस बार एक मिनट एक मिनट, बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो जा रही है, सॉरी एक मिनट, फिर से मैं जो है अप्लाई कर लेता हूं, एट वन, चलो इस बार सब कुछ शुभ शुभ हो जाना चाहिए, हो गया, हो भी गया। देखो ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं कॉपी कर लेता हूं, आप भी जो है स्क्रीनशॉट वगैरह मोबाइल पे ले लेना। अब गो टू होम बोला गया जाने के लिए, अब यहां पे लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दो आप, ठीक है। अब यहां से आपसे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, वेट ए मिनट, आप बोलोगे पासवर्ड, भैया ईमेल आईडी पे आपके पासवर्ड पहुंच गया होगा, कहां पे पहुंच गया होगा, ईमेल आईडी पे जो है पासवर्ड आपका पहुंच गया होगा। खैर मैं ईमेल आईडी अपने फोन में रखा हुआ है, वहां से मैं ओटीपी जो है ले लेता हूं और यहां पे फिल कर देता हूं। देखो मैंने यहां पे जो है ओटीपी जो आया हुआ था मैंने यहां पे फिल कर दिया है, अब आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लोगे देखो ये ओपन हो चुका है, मैंने क्या कहा था आपको कि ये देखो ग्रीन होता जाएगा, जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे ये ग्रीन वाला सिग्नल आपको मिलता जाएगा, ठीक है। चलिए मैंने ग्रीन कर लिया है इसे, अब मांगा गया है एप्लीकेशन, यहाँ पे मांग लिया गया है, ठीक है। अब देखो पेमेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बन जाएगी, पेमेंट और फोटो सिग्नेचर वगैरह के लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा, फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है लोकल लैंग्वेज वन में क्या रखोगे, क्लास टेंथ के अकॉर्डिंग रखिए, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ क्लास टेंथ में अगर आपने संस्कृत पढ़ी है संस्कृत रख लो, हिंदी पढ़ी है हिंदी रख लो, इंग्लिश पढ़ी है इंग्लिश रख लो, अदरवाइज आगे चलकर दिक्कत आएगी तो उससे खुद निपटना। मैं दूसरा जो है खोटा रख लेता हूँ, मैं खोटा अच्छे से समझ पाता हूँ, देन आई विल फिल इट खोटा हियर। अब पूछा गया मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लिखोगे, आप अगर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो अदर्स आप लिख सकते हो, तो जिनका मैरिड है वो मैरिड लिखेंगे, जिनका अनमैरिड है वो अनमैरिड लिखेंगे। यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिखना है तो मैं यहाँ पे अपने फादर्स का नाम जो है लिख देता हूँ, ठीक है, ऑल राइट। अब जो है आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल ही फॉल्स डेटा यहाँ पे इनको दे रहा हूँ। मदर्स नेम पूछा गया है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मदर्स नेम, ठीक है। अब देखो कुछ भी आप लिख सकते हो, आई रिपीट यहाँ पे कुछ भी आप फिल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो है डिटेल अच्छे से भरनी है, करेक्ट भरना है। देखो मैंने यहाँ कुछ भी डाल दिया है लेकिन आप जो है जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो है यहाँ पे आपको फिल करना है, जैसे अमोल मार्क ऑन नेक, मेरा नेक पे है तो मैंने मोल मार्क ऑन नेक लिख दिया। अब दूसरा पूछा गया है तो मैं लिख दूंगा अमोल मार्क ऑन नोज पे लिख देता हूं, अगर आपका जो भी है वो आप लिख लेना, ठीक है। देखो मैंने दोनों फिल कर दिया। परमानेंट एड्रेस मांगा गया, मैं यहाँ पे कुछ भी फिल कर देता हूँ। रिपीट, ये ब्लर आपको दिख रहा होगा क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी है आई शुड डोंट रिवील माई एड्रेस और समथिंग लाइक दैट, अदरवाइज ये जो है कंसिडर नहीं करेंगे। अब बोलोगे आप तो बता चुके हो देवघर से हो, नहीं, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस मांगा जा रहा है। अब देखो यहाँ से ना 24 जिले का प्रेफरेंस मांगा जा रहा है, मैं सुविधा के लिए जो है यहाँ पे फटाफट वन वन जो है कंप्लीट करते जाऊंगा ताकि आप चीजों को समझ पाओ, ठीक है। यहाँ पे मैंने वन फिल कर दिया, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके नजदीक पड़ेगा आप उसे ही फिल करना, ऑलराइट, आपके पास जो है वही आप फिल करोगे, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है, आराम आराम से आपको फिल करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एट भर लेता हूँ, यहाँ पे नाइन एंड यहाँ पे टेन फिल कर लूंगा एंड शो ऑन आगे बढ़ता जाऊंगा, ऑलराइट। किसी भी तरह की हड़बड़ी गड़बड़ी का कारण बन सकती है तो प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको, और दिक्कत आपको जो है आगे चलकर आ सकती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिल करता जा रहा हूँ, मैं सीरियली वाइज जो है करता जा रहा हूँ, सिर्फ ये वीडियो बनाने का पर्पस है आपको एजुकेट करना, और आप जो है इसे खुद से कैफे वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से जो है इसे फिल कर सकते हो। 100 रुपये का आपको जो है यू आर वगैरह जो UPI से जो है आप इसे क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। कहीं पे मैंने गड़बड़ी कर दी है, आई थिंक सो, मैंने तो कहीं पे करी है, फिर से कोई नहीं, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 छूट गया, चलो 12 यहाँ लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, 12 यहाँ पे फिल कर दिया। ये 12 के 12 कंप्लीट हो गए। अब आपसे पूछा जाएगा, देखो 1 to 5 वाले इंटरमीडिएट चूज करेंगे, 6 to 8 वाले ग्रेजुएट ट्रेन टीचर करेंगे, मैं 6 to 8 में हूँ। देखो जैसे आप इसको फिल करोगे, पास्ट ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, ये बीएड वाले फिल नहीं करेंगे। दूसरा है पास्ट ग्रेजुएशन एंड इट्स इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% बैचलर्स इन एजुकेशन हुएवर नॉट रजिस्टर्ड इन ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट ट्रेनिंग कोर्स बिफोर 2011। जो
यहाँ पे है, ये जिन लोगों ने नहीं कर रखा है उनके लिए है, ठीक है। तो आपको यही वाला ऑप्शन चूज करना है, ये एक मिनट, ये वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। जिनका 45 है, देखो दो तरह की बातें हैं, जो 2011 से पहले पास हो चुके हैं ग्रेजुएशन उनके लिए 45% में काम चल जाएगा, और जो 2011 के बाद से पास हुए हैं उनको ये सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करना है। अब पूछा गया अप्लाइड सब्जेक्ट पूर्व, मैं मैथ्स और साइंस हूँ तो मैं मैथ और साइंस फिल कर लूंगा। अब पूछा गया कि आपने कौन से सब्जेक्ट से, देखो आपने कौन से सब्जेक्ट से पास किया है, तो मैंने मैथ्स किया है तो मैथ्स लिख दूंगा, साइंस वाले साइंस लिखेंगे। अब यहाँ से फिर से सब्जेक्ट पूछा जा रहा है तो मैं मैथ्स फिल कर दूंगा। सब्जेक्ट प्रेफरेंस दूसरा पूछा जा रहा है आपसे तो मैं फिजिक्स ले लूंगा, जो मेरा सब्जेक्ट प्रेफरेंस है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक्चुअली ये पहले नहीं पूछा जा रहा था, तो केमिस्ट्री मेरे, देखो पीसीएम से मैंने ग्रेजुएशन करी है और इंटरमीडिएट भी पीसीएम से था, तो मैंने ये फिल कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग, फिर से कैप्चा मांगा जा रहा है, फिर से कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना होगा एंड गो अहेड, आपको आगे जाना है। चलो मैंने कैप्चा फिल कर दिया एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, देख लो दिख गया आपको, एप्लीकेशन भी कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट। पेमेंट मांगा जा रहा है, पेमेंट तो मैं दे नहीं सकता, यहाँ पे लिख दिया गया प्लीज प्रोसीड द पेमेंट आफ्टर 24 आवर फ्रॉम द सबमिशन डेट, 24 घंटे के बाद आपका होगा। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी। एक वीडियो पेमेंट के ऊपर कौन सा सिलेक्ट करना है, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पेमेंट कैसे करें, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करें, आपका फॉर्म कैसे कंप्लीट होगा। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी, ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया, अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।